नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर पुनीत धवन में, जहां हम हमेशा आपको किडनी के बारे में कई जरूरी जानकारी देते हैं। हमारी आज का चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या किडनी के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं या नहीं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय और जानते हैं कम प्रोटीन वाली सब्जियों के बारे में। सबसे पहला है गाजर। गाजर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है और इसकी खास बात यह है कि इसका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन तब जब डॉक्टर उन्हें अलाउ करें और लिमिटेड अमाउंट में। 100 ग्राम गाजर में 1.10 ग्राम प्रोटीन होता है और किडनी के मरीजों को इसका सेवन उबाल कर करना चाहिए। दूसरा है कद्दू। किडनी के मरीज कद्दू का सेवन कर सकते हैं क्योंकि ये खाने में हल्का होता है जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। इसमें प्रति 100 ग्राम में 1.00 ग्राम प्रोटीन होता है, इसलिए इसका सेवन किडनी के मरीजों के लिए सुरक्षित है। अगला है मूली। मूली एक ऐसी सब्जी है जिसका सेवन सभी लोग अपने स्वाद के हिसाब से करते हैं। इसका सेवन आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, जिससे आपकी किडनी अंदर से साफ रहती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम पाई जाती है, 100 ग्राम में सिर्फ 1.10 ग्राम। इसका सेवन किडनी के मरीजों को अलाउ तो होता है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स के अनुसार, क्योंकि मूली में 95% पानी की मात्रा होती है और किडनी के मरीजों को लिक्विड कम मात्रा में देना होता है, इसलिए किडनी के मरीज इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के न करें, और अगर डॉक्टर अलाउ करें तो इसको उबाल कर ही इसका सेवन करें। अगला है खीरा। 100 ग्राम खीरे में 1.30 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसका सेवन भी किडनी के मरीज मूली की तरह कर सकते हैं, यानी कि जब उनकी रिपोर्ट्स उन्हें अलाउ करें तब। और सबसे जरूरी बात की ख्याल रखना है कि इसका कितनी मात्रा में सेवन करना है। नेक्स्ट है पत्ता गोभी। किडनी के मरीजों को पत्ता गोभी अलाउ होती है, वो भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। इसकी कितनी मात्रा लेनी है ये उनकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, और साथ ही इसका प्रयोग भी उबाल कर ही करना है। पत्ता गोभी में 1.40 ग्राम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो किडनी के मरीज इस बात का ध्यान रखें कि इसका सेवन डॉक्टर के कहे अनुसार ही करें। कम प्रोटीन वाली सब्जियों में प्याज भी शामिल है। प्याज का सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, और इसका प्रयोग भी उन्हें उबाल कर ही करना है। प्याज में 1.10 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है जो आपकी किडनी के लिए हानिकारक नहीं होता, और आप हरी मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। हरी मिर्च में 0.00 ग्राम प्रोटीन होता है, इसलिए इसका प्रयोग किडनी के मरीजों को अलाउड होता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसके बीज को निकाल कर ही इसको अपनी डाइट में शामिल करें। तो ये है कुछ सब्जियां जिनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है और साथ ही इनका सेवन किडनी के मरीज कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए तुरंत कर्म आयुर्वेदा से संपर्क करें। कर्म आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए हैं, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो ये पेशेंट के सुपुत्र हैं और इनको अनेकों प्रकार से प्रॉब्लम हो रही थी, चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी माता जी, और वॉमिटिंग वगैरह थी, यूरेमिक सिम्टम्स बिल्कुल पीक पे थे, यूरिया 226 तक चला गया था और अब 100 की रेंज में आ गया है। लग के इन्होंने सब चीज़ें फॉलो करी और ना बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स और इम्प्रूवमेंट भी नज़र आए। स्टॉप किडनी डायलिसिस। आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं।